हाँ, मैं डॉक्टर दीपक बंसल कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। आज मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूँ स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक जैसे मालूम है आप सबको, एक बहुत गंभीर बीमारी है और ये जो उम्र दराज लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं उनमें ये मृत्यु होने का सबसे बड़ा कारण यह है, सेकेंड सबसे बड़ा कारण। मेन मुख्य मुख्य कारण इससे है कि हाई डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा ज़्यादा होना, और आजकल के टाइम में जो जंक फूड अपन खाते हैं उसके लिए, ये मुख्य कारण है स्ट्रोक होने के। लेकिन स्ट्रोक कैसे मालूम पड़े कि स्ट्रोक हुआ है? बोलने में कुछ लड़खड़ाना और चेहरे में एक जगह तिरछापन आना, हाथ या पैर में सुन्नपन या कमजोरी आना, ये सारे लक्षण हैं स्ट्रोक के। एक बार स्ट्रोक हो जाए उसका इलाज करना बहुत जल्द से जल्द ज़रूरी है, और जितना कम समय लेकर, जितना समय लेंगे उतना वो स्ट्रोक अपने दिमाग को घातक पहुँचाएगा। जल्द से जल्द अपने जो नज़दीकी अस्पताल हैं उसमें जाएं, उससे अपने डॉक्टर से परामर्श करें। जितनी जल्दी आप उसका इलाज करवाएंगे उसका उतना अच्छा रिजल्ट आने का संभावना है। ट्रीटमेंट की बात करूं तो पहले तो हुआ मेडिसिनल थेरेपी, जिससे स्ट्रोक आप ठीक टाइम पर पहुंच गए, विद इन 3 आवर्स पहुँच गए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर वो टाइम अगर लिमिट क्रॉस कर जाए फिर आता है रोज सर्जिकल इंटरवेंशन का। सर्जरी क्या क्या कर सकते हैं स्ट्रोक में, जैसे कि स्ट्रोक जहाँ हुआ है वो पे हम पहले देखते हैं कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर हुआ है स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक पूरा इंटरनल स्ट्रोक है, काफ़ी मैसिव स्ट्रोक है, तो हम कभी कभार उसमें एक डीकम्प्रेसिव करते हैं जिससे कि जो खून का थक्का जमा है उसको निकाल कर फिर वो ब्रेन को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया सर्जिकल। आजकल एक नई पद्धति भी आई है इंटरवेंशनल, मतलब हम दिमाग को बिना खोले बिना ही उसमें जो क्लॉट जमा है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, एक आर्टरी के द्वारा वहाँ पर पहुँच के उस क्लॉट को डिजॉल्व करते हैं, वो एक पद्धति है। पद्धति थेरेपी इसमें हेल्पफुल रहता है फिजियोथेरेपी, जिसके कारण जो रिकवरी आनी चाहिए टाइम पर, अगर आप उसमें फिजियोथेरेपी जल्दी से करवाते हैं तो जो रिकवरी टाइम है वो जल्दी और फास्ट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर, सुबह सुबह ही ज़्यादा स्ट्रोक होता है ऐसा देखने में आया है, खासतौर पर एजेड लोगों में, तो इसका कारण क्या होता है? इसके कारण तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या मोटापा है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और कभी भी किसी को बीमारी भी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उस कारण में क्या होता है धीरे धीरे ना छाती में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होता है और उससे ब्रेन में आईसीबी रेज होता है। तो इस कारण से जब रेज आईसीबी होता है तो अर्ली मॉर्निंग में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, उस कारण से भी कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में स्ट्रोक ज़्यादातर दिख रहते हैं। थैंक यू सर।